तो इसलिए ब्लैक कलर को कलर करना। हाय फ्रेंड्स, इट्स पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि कैन यू डू मोर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ऑफ गॉड, सो इस बार मैं लेके आई हूँ श्री राम जी की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एंड इस बार तो अयोध्या में राम जी विराजमान भी हुए हैं एंड रामनवमी भी आ रही है, तो श्री राम जी की पेंटिंग तो बनती है। एंड जैसे कि मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि इस बार मैं कौन सी वाली पेंटिंग करने वाली हूँ गेस कीजिएगा, तो मुझे काफी ज्यादा वोट राधा कृष्ण की पेंटिंग को आए हैं। सो जिससे मुझे पता चला कि आपको राधा कृष्ण की पेंटिंग भी चाहिए और वो भी हम जल्दी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है ब्लैक कैनवास बोर्ड। तो अभी आप पूछोगे कि ब्लैक कैनवास बोर्ड क्यों? क्योंकि ब्लैक कैनवास बोर्ड के ऊपर हम ब्लैक कलर का एडवांटेज लेके ये पेंटिंग करने वाले हैं, जिससे कि हमारे जो भी लाइट शेड्स है वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट हो सके। तो यहाँ मैंने राम जी की ऑलरेडी स्केचिंग कर ली है, और अगर आपको ट्रेसेबल इमेज चाहिए तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को प्रिपेयर कर दिया है, तो उसके लिए मैंने स्काई ब्लू और सेरेलियन ब्लू को मिक्स कर दिया है। और अगर आपके पास स्काई ब्लू कलर नहीं है तो आप कोई भी ब्लू कलर लेके उसमें व्हाइट मिक्स करके उस कलर को प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा पर चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कलरिंग। और क्योंकि हम यहाँ ब्लैक कैनवास बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो हमें ये कलर को दो बार रिकोट करना पड़ेगा। तो एक लेयर कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही मैं दूसरे लेयर को अप्लाई करूंगी। सो क्विक टिप, अगर आपको प्लेन कलर्स अप्लाई करने हैं तो एक लेयर सूखने के बाद आपको उसको रिकोट करना पड़ता है। तो ब्लू कलर के 2-3 लेयर्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हेयर एरिया को। तो हेयर एरिया में मैंने थोड़े से पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, तो वो छोड़ के हम ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे। सो क्योंकि हम यहाँ ब्लैक कैनवास बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो ब्लैक कलर को अप्लाई करना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है। अगर आपके पास ब्लैक कैनवास बोर्ड नहीं है तो आप व्हाइट कैनवास बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर को तो अप्लाई कर दिया है, तो मैं बचे हुए पैटर्न को ब्राउन कलर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर दिया और उस कलर को प्रिपेयर कर दिया है। तो जैसे ही मैं इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा पेंट करने के बाद ये कलर मुझे काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके इसको फिर से रीअप्लाई कर रही हूँ। तो एक्रेलिक कलर की ये खासियत है कि आप उसको आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। या मैं विदाउट एनी कलर ब्लेंडिंग इस पैटर्न से ही शेडिंग का इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि हमें डेप्थ एंड डायमेंशन मिल सके। तो उसी ब्राउन कलर में और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके हम यहाँ पे और थोड़े से पैटर्न्स को ऐड कर रहे हैं। कपड़ों के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज कर रही हूँ। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को कलर करते जाएंगे एंड देन लास्टली हम इसमें धीरे धीरे डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। तो आप भी जब भी पेंटिंग करो तो फर्स्ट पेन कलर्स को अप्लाई करो और लास्ट में डिटेलिंग स्टार्ट करो, जिससे कि आपको लाइट, शेडो एंड डार्क ये चीज़ें ऐड करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ मैं ब्राउन कलर को थोड़ा सा लाइट करके बोज एंड एरोज में अप्लाई करते जा रही हूँ। और यहाँ पे हम शेडिंग के लिए कोई भी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, जस्ट पैटर्न के साथ इन सारे शेडिंग को क्रिएट करते जाएंगे। जिससे कि आपको इस पेंटिंग को रिक्रिएट करने में काफी ज्यादा इजी होने वाला है। तो मैंने यहाँ डार्क टोन्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए मैं यहाँ ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ। तो हर एक एलिमेंट में हम लाइट एंड डार्क पैटर्न्स को ऐड करते जाएंगे। सो इस पेंटिंग में मैं थोड़े कलर्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लोटस को भी दिखाया है। तो आप भी, आपको जो भी एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हो। तो पेंटिंग में फ्लावर्स एंड लीव्स को ऐड करके उसको और थोड़ा सा कलरफुल बनाना ईजी हो जाता है। उसी सेम टेक्निक का यूज करके लाइट एंड डार्क कलर से हम कपड़ों में भी डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फेस को डिटेलिंग करना।
जो है पेंटिंग का मेन पार्ट, और इसमें शेडिंग करना भी काफी ज्यादा इजी है। और अब फेस को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, और आउटलाइन और थोड़े से डिटेल्स के साथ फेस एरिया काफी ज्यादा अभी अच्छा लग रहा है। पेंटिंग को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो ग्लो ऐड करेंगे, जिससे कि फेस एरिया और भी ज्यादा स्टैंड आउट हो जाए। अभी इस येलो ग्लो में मैं थोड़ा सा ऑरेंज का ग्रेडेशन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लो है तो यहाँ पे हम कलर्स को ब्लेंड करेंगे, ना कि पैटर्न्स का यूज करेंगे। सो दो कलर्स को ब्लेंड करते वक्त आपको दोनों कलर्स को एक साथ प्रिपेयर करना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्रेलिक कलर काफी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो कलर्स को ड्राई होने के पहले ही ब्लेंड करना काफी इम्पोर्टेंट है। येलो ग्लो के आउटर एरिया में भी हम ऑरेंज कलर को ब्लेंड करेंगे ब्लैक कलर के साथ, और बचे हुए बैकग्राउंड में हम ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे। अब इस पेंटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हाइलाइट्स को ऐड करना। तो हमने यहाँ बैकग्राउंड में येलो ग्लो दिखाया है, तो इसलिए हेयर एरिया में लाइट येलो हाइलाइट्स का मैं यूज करूंगी, और आप देख सकते हैं कि ओनली स्ट्रोक्स का यूज करके हम हाइलाइट्स को शो कर रहे हैं। सो थोड़ी थोड़ी से लाइट ब्राउन हाइलाइट्स को हम यहाँ पे हेयर पैटर्न्स में भी ऐड करते जाएंगे। इन येलो हाइलाइट की वजह से हमारा जो पेंटिंग है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। और अभी फेस एरिया में भी हम लाइट ब्लू से हाइलाइट्स को ऐड कर देंगे। वैसे तो हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है, पर मुझे बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ी सी एम्प्टी लग रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करूंगी। तो यहाँ हम थोड़े से लीव्स को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि पेंटिंग और थोड़ी कलरफुल हो जाए। लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन का यूज किया है, एंड फाइनली हमारी जो पेंटिंग है वो बनके रेडी हो गई है। एंड इस बार की जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो काफी ज्यादा इजी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड फ्यूचर में भी मैं इस तरीके से काफी सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लेके आने वाली हूँ। सो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।